सैफई मेडिकल कॉलेज से नवजात शिशु को चोरी करने वाली महिला सहित एक युवक को किया गया गिरफ्तार। कब्जे से अपहरण किया गया 20 दिन का नवजात शिशु सक्सर इटावा पुलिस ने किया बरामद। वरिष्ठ अधीक्षक संजय कुमार के पर्यवेक्षण में एस ओ जी सर्विलांस टीम एवं थाना सैफई पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई। अज्ञात महिला द्वारा सैफई मेडिकल कॉलेज से 26 अक्टूबर को इस महिला के 20 दिन के नवजात शिशु को अगवा कर लिया गया था। मुखबिर की सूचना के आधार पर सैफई मेडिकल कॉलेज से बच्चे का अपहरण करने वाली महिला व एक पुरुष को किया गया गिरफ्तार। नवजात शिशु को सक्सर बरामद करके वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने माता पिता को सौंपा बच्चा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में की गई कार्रवाई से माँ बाप के खिले चेहरे। दिनांक 26 तारीख को सैफई पुलिस जनपद इटावा को एक सूचना मिली थी कि 20 से 22 दिन का बच्चा कुछ लोगों द्वारा ले लिया गया है, और जब इसमें पुलिस की टीम जो है सैफई पुलिस इंस्पेक्टर और उसकी पूरी टीम चौकी इंचार्ज PGI और SOG सर्विलांस की टीम हमारी लगाई गई थी इसमें, और काफ़ी गहनता से इस मामले में और गंभीरता, चूँकि बच्चे का मामला था और सिर्फ 20 से 22 दिन पुराना ये बच्चा था, और 20 दिन का बच्चा था और इसको चोरी हो जाने से काफ़ी सेंसिटिविटी थी। इसके आधार पर विभिन्न स्थानों पर, चाहे वो कन्नौज हो, चाहे वो मैनपुरी हो या इटावा हो या फिरोजाबाद हो, हमारी टीमें इसमें बराबर काम कर रही थी। और इसी के परिदृश्य में जो है अभी इसमें हमने आज इस बच्चे को जो है अथक प्रयास के बाद, हमारी टीम के अथक प्रयास के बाद बरामद कर लिया गया है। और जो राम प्रताप जो कि पीड़ित है और जिसका बच्चा है राम प्रताप, पानीपत में जो है मुर्गी फार्म में काम करता है तथा विदुना औरैया का रहने वाला है, और वहीं पर अस्पताल में ही PGI अस्पताल में भी दो भीख मांगने वाले रहते थे और उनसे परिचित हो गए थे और अपने आप को उसका परिचय विदुना का बता करके उनसे हिल मिल गए थे। और उनकी बुआ जो है, जो कि उसकी, चूँकि बच्चे की माँ जो है थोड़ा सा परेशान थी इसलिए PGI अस्पताल में भर्ती हो गई थी, और वहीं पर उसकी बुआ जो है देखभाल के लिए आई हुई थी, और बुआ के से 4 दिन से मित्रता करने के आधार पर उसने, बुआ जी ने बच्चे को इन भिखारियों को सौंप दिया था। और जैसे ही कपड़ा धुलने के लिए वो गई और यह कहते हुए कि बच्चा को जरा 2 मिनट देखिएगा, मैं कपड़ा धुल के आ रही हूँ, ये दोनों उस बच्चे को चुरा करके भाग गए थे, जिसके संबंध में सैफई थाने में 363-370 IPC का मुकदमा दर्ज किया गया था तथा इसे गहन प्रयास के बाद टिमोरियो के पास से बरामद किया गया है। और सूचना मिली कि कन्नौज भी लेकर ये लोग गए थे, विभिन्न अस्पतालों में लेकर गए थे इसको बेचने के लिए, वहाँ पर चूंकि पुलिस की गतिविधियाँ तेज थी इस नाते वो बेच नहीं पाए। अतः जो प्रथम दृष्टया लगता है कि मोटिव था बच्चे को बेचने का और पैसा कमाने का, उस संबंध में पुष्टिकारक साक्ष्य मिले हैं, जिसके आधार पर इन्हें उस अभियोग में जो है मुलजिम, एक महिला मुलजिम है इसमें और एक दयाशंकर नाम का व्यक्ति है जो कि विदुना के ही रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है तथा 370 IPC और 363 IPC के तहत इनको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ जो आपने देखा होगा कि जो बच्चा है उसकी माँ और उसके पिता तथा बुआ बेहद प्रसन्न है, और निश्चित तौर से 3-4 दिन से बहुत ही परेशान थे वो जब उनका बच्चा गायब हो गया था, तो निश्चित तौर से पुलिस ने मानवीय दृष्टिकोण से तथा आपराधिक दृष्टिकोण से दोनों एक बहुत बड़ा कार्य किया है। इसके लिए मैंने जो है सैफई पुलिस और उसकी टीम को जो है 10,000 रुपये इनाम देने की घोषणा किया है।